Clash of Clans. हाँ भैया, तो कहते लेट्स गो, मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर। यो यो, दिस इज मिनी रैपर। तो भाई, दिवाली आ रही है, बहुत ही जल्दी आने, मतलब लगभग आ ही गई है, घर के दरवाजे तक आ चुकी है, बस घर में आना बाकी है, मतलब सिर्फ एक या दो ही दिन बचे दिवाली आने के लिए। लेकिन आप लोग पता है, दिवाली से जुड़ी हुई एक बहुत अच्छी चीज मैं आप लोग बताता हूँ। आप लोग कुछ आइडिया है, आप लोगों ने क्लैश ऑफ क्लैंस की शुरुआत कब करी थी, कब खेलना स्टार्ट किया था, कौन से ईयर में, कौन सी डेट पे, कौन से मंथ पे? मैं मेरा बताता हूँ, मैंने क्लैश ऑफ क्लैंस की शुरुआत करी थी 2015 दिवाली के टाइम पे, मतलब आज से ठीक 5 साल पहले। तब क्लैश ऑफ क्लैंस का इंडिया में आप सभी लोग पता है कितना ज्यादा क्रेज था, एंड उस टाइम पे सबसे ज्यादा क्रेज था टाउन हॉल 8, 7 और 9 का, क्योंकि अपर टाउन हॉल तो उस टाइम पे थे ही नहीं, जैसे कि टाउन हॉल 12 और 13 था ही नहीं उस टाइम पे, सिर्फ टाउन हॉल 11 मैक्स हुआ करते थे उस टाइम पे। हॉग राइडर्स का मैक्स लेवल कितना होता था पता है? लेवल 5 का हॉग राइडर मैक्स होता था। अभी जो हम लोगों को लेवल 10 के हॉग राइडर के सामने वो फायर दिखती है ना, मतलब आग दिखती है, मतलब मैक्स लेवल का हो गया। वो हॉग राइडर पहले 2015 में लेवल 5 का मैक्स हुआ करता था, मतलब इस 5 साल में हॉग राइडर के और 5 लेवल बढ़ गए, मतलब हर साल एक एवरेज हॉग राइडर का लेवल यहाँ पे बढ़ चुका है। एंड उस टाइम पे क्लैश ऑफ क्लैंस के उतने ज्यादा यूट्यूबर्स थे ही नहीं अपने इंडिया में। मैंने खुद ने अपने चैनल 2017 में क्रिएट किया, जब मतलब समझ रहे हो आप लोग 2015 में कितना ज्यादा क्रेज था क्लैश ऑफ क्लैंस का। उस टाइम पे 2G डेटा चलता था, वोडाफोन आइडिया का 29.19 रुपीज का 2 दिन का रिचार्ज, याद है आप लोगों को सब कुछ, सारी बातें, 120 MB मिलता था 2-3 दिन का। उस टाइम पे क्लैश ऑफ क्लैंस बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था, एंड उस टाइम पे मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट नहीं किया था, एंड हमने हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया 2017 में। एंड उस टाइम पे मेरे को कोई आइडिया भी नहीं था कि 5 साल के बाद मैं क्लैश ऑफ क्लैंस का ऑफिशियल यूट्यूबर बन जाऊंगा। अभी देखो क्लैश तक चल रहा है, क्लैश ऑफ क्लैंस इंडिया के ऑफिशियल चैनल के ऊपर, वहां पे मैं, अड्डा और भी बहुत सारे क्रिएटर्स वहां पे फीचर हुए हैं। क्या आप लोगों ने देखी है वो डिबेट? मतलब डिबेट मतलब बहस होती है एक्चुअली, मैंने भी बहुत ज्यादा ही बहस करी है वहां पे। ये समय समाप्ति की घोषणा किसने की है? वीडियो है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ऊपर, ये बहस क्लैश ऑफ क्लैंस के रिलेटेड ही है, तो आप लोग अगर देखनी है वो बहस तो ऊपर आई बटन पे जाके आप लोग देख सकते हो, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हो। आप लोगों ने पिछले साल की क्लैश ऑफ क्लैंस की एड देखी, वो स्मार्टी अमित 91 वाली वो एड, एंड उसी के साथ, वो तो पिछले साल आई थी, इस साल क्या आने वाला है? इस साल एक बहुत बड़ी चीज आने वाली है, क्या क्या हो सकता है वो? एक एक्चुअली ये मेरे को बताना नहीं चाहिए था, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो भाई आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है हमारे क्लैश ऑफ क्लैंस में। अगर आप लोगों ने ऑफिशियल क्लैश ऑफ क्लैंस इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड वो मेरी बहस वाली वीडियो देखना मत भूलना बिल्कुल। आज तक रिपब्लिक टीवी पे कैसे बहस चलती है ना लोगों की, वैसे क्लैश ऑफ क्लैंस की बहस आप लोगों को देखने को मिलने वाली है क्लैश तक न्यूज चैनल के ऊपर। एक्चुअली हमारे क्लैश ऑफ क्लैंस का न्यूज चैनल भी है, तो ऊपर आई बटन पे वो आप लोग वीडियो देख सकते हो इजीली जाके। छोड़ो यार ये सारी बातें, हम लोग फिर से कभी करेंगे, मतलब ऑफकोर्स करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे टाउन हॉल 9 की तरफ। भाई अरसा बीत गया, जमाना बीत गया भाई, हम लोगों ने टाउन हॉल 9 खेला ही नहीं है, सिर्फ हम लोग टाउन हॉल 11 12 13 इतना ही कंटेंट बनाते जा रहे हैं। भाई टाउन हॉल 9 पे इतनी ज्यादा वर्सेटैलिटी आ चुकी है, अटैक्स में इतना ज्यादा मजा आ रहा है। अभी हम लोगों ने एक लीग में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जिस लीग में सिर्फ टाउन हॉल 9 की सीसी में आप लोग, मतलब वॉर अटैक करते टाइम सिर्फ आप लोग सीसी में टाउन हॉल 9 की ट्रूप्स लेके जा सकते हो, प्लस वहां पे जैप बैन है, जैप मतलब लाइटनिंग स्पेल वहां पे बैन था, मतलब लाइटनिंग स्पेल का और अर्थक्वेक का इस्तेमाल आप लोग नहीं कर सकते इस लीग में, प्लस विचेस बैन थी, मतलब विचेस का भी इस्तेमाल आप लोग इस लीग में नहीं कर सकते। एंड वहां पे हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था एंड हम लोग जीत चुके हैं, एंड मैंने लिटरली वहां पे 3 स्टार किया इतने टाइम के बाद। कौन सी स्ट्रेटजी है वो, कौन सी स्ट्रेटजी के साथ हम लोगों ने 3 स्टार किया, मुझे पता है मैक्सिमम लोगों को पता है कि वो कौन सी लेजेंडरी आर्मी होने वाली है। ऑफकोर्स यार आप लोग जो सोच रहे हो वही आर्मी है। चलो भाई अभी चलते हैं, लेकिन उससे पहले, क्या आप लोग चैनल पे पहली बार आए? भाई साहब दिवाली होने वाली है, 5 साल हो चुके हैं मैं क्लैश ऑफ क्लैंस खेल रहा हूँ। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे से पहले से खेलते आ रहे हैं या फिर अभी अभी शुरुआत करी होगी, तो भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में ना धमाका करेंगे सब लोग मिलके, एंड मैं चाहता हूँ कि इस धमाके में आप सब लोग मेरा साथ दो। एंड वैसे भी आज हम लोग टाउन हॉल 9 बहुत टाइम के बाद खेल रहे, तो लाइक एम ना थोड़ा बड़ा करते हैं, तो मुझे पता है आप लोग कर दोगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो पे वो टिकटॉक वाली जो वीडियो थी वहां पे 70,000 लाइक्स का एम किया था, वहां पे 60,000 के आसपास, 58,000 या 59,000 लाइक्स वहां पे आप लोगों ने कंप्लीट कर दिए। तो आज की वीडियो पे हम लोग लाइक एम करते हैं 1,00,000,
10,000 लाइक्स के लिए एम करते हैं, चलो जल्दी से कंप्लीट कर देना। ओके, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियो की तरफ, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने टाउन हॉल 9 की वॉर करी थी। वहां के जो टर्म्स एंड कंडीशन थे मैंने तो आप लोग बता दिए कि इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन है टाउन हॉल 9 की लीग में। चलो अभी बढ़ते हैं उस वॉर की तरफ। तो गाइस आ चुके हम लोग हमारे टाउन हॉल 9 के अकाउंट के ऊपर। हम लोग यहाँ पे एक लीग खेल रहे जहाँ पे सीसी में अपर टाउन हॉल की ट्रुप्स बैन है, विच बैन है उस टाउन हॉल के ऊपर, एंड जैप बैन है मतलब अर्थक्वेक एंड लाइटनिंग भी बैन है इस लीग में। मतलब बचता ही क्या है, हील स्पेल बचता है, रेज स्पेल बचता है एंड कुछ ट्रुप्स बच जाते हैं। तो उसी के साथ आज हम लोग अटैक करना पड़ेगा वॉर में, एंड वॉर जीतनी भी पड़ेगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं वॉर में लाइव अटैक। तो गाइस यहाँ पे 17 मिनट बचे वॉर खत्म होने में, एंड हमारा टारगेट है नंबर एक। नंबर एक के बेस के ऊपर हम लोग कौन सी आर्मी यूज करने वाले, हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले है गो हॉग लेजेंडरी आर्मी। 2 गोलम्स, 7-8 विजर्ड्स, 20-22 हॉग राइडर्स, इजी। स्टार्टिंग में हम लोग क्या करना है, हमारे गोलम और हीरोज एंड विजर्ड्स के साथ एंड सीसी में हम लोग वैलकरीज लेने वाले, उसके साथ हम लोगों को एनिमी की क्वीन, एनिमी की सीसी डाउन करनी है एंड हो सके जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा परसेंटेज गेन करनी है, एंड उसके बाद हम लोगों को हॉगिंग के साथ पूरा बेस साफ करना है। तो ये हमारी लेजेंडरी स्ट्रेटेजी है, एंड उसी स्ट्रेटेजी के साथ अभी हम लोग लाइव अटैक करने वाले हैं। तो ये रहा गाइस यहाँ पे नंबर एक का बेस। ओके, टाइम हो चुका है मेरा, अभी चलते हैं हम लोग अटैक के लिए इस बेस के ऊपर। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। स्टार्टिंग में हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग में एक आर्चर, यहाँ पे एक गोलम, यहाँ पे एक गोलम, विजर्ड, यहाँ पे वॉल ब्रेकर्स आएंगे। क्या बात है, वॉल फूट चुकी है। यहाँ पे किंग, यहाँ पे क्वीन, सीसी के ट्रूप्स, यहाँ पे पॉइजन स्पेल आएगा, यहाँ पे एक रेज स्पेल आएगा, एक सुपर वॉल ब्रेकर बचा है यहाँ पे डाल देते हैं, शायद फूटेगी, नहीं फूटी वॉल। कुछ नहीं करना यार, बहुत सिंपल है। स्टार्टिंग में आप लोगों को सीसी डाउन करनी है, एनिमी की क्वीन डाउन करनी है, किंग डाउन नहीं होगा तो भी चलेगा, एंड आपके हीरोज के साथ मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे फिलहाल हमारा जो बार्बेरियन किंग है वो बाहर आ चुका है, लेकिन स्टिल हम लोग ट्राई करते हैं जितनी ज्यादा वैल्यू हो सके हीरोज के साथ उतनी ज्यादा वैल्यू निकालेंगे। लेट्स होप हमारी आर्चर क्वीन यहाँ से निकाले अच्छी खासी वैल्यू। क्या बात है, चलो भाई अच्छा जा रहा है हमारा अटैक। यहाँ पे हमारा बार्बेरियन किंग कंपार्टमेंट के अंदर आ चुका है, लेट्स होप हमारा बार्बेरियन किंग पूरा कंपार्टमेंट डाउन कर ले, एंड आर्चर क्वीन यहाँ से एक्सबो डाउन कर ले। ओके, यहाँ पे कुछ हॉक्स डाल देते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ हॉक्स, यहाँ पे आएगी हमारी पहली हिल स्पेल। क्या बात है, परफेक्ट जगह पे हिल स्पेल आ चुकी है हमारी, बहुत सही। और 2 हिल स्पेल्स बचे हमारे पास, तो यहाँ पे आएगी हमारी दूसरी हिल स्पेल। यहाँ पे एक मिनियन, आखिरी हिल भी बची है। चलो भाई ये तो ट्रिपल है भाई, अभी भी बहुत सारे हॉक्स हमारे पास बचे यहाँ पे। तो इजीली हम लोगों ने इस बेस को कर दिया है 3 स्टार, क्या बात है। स्टिल हमारे पास क्लीनअप ट्रूप्स बचे, एंड अगर हम लोग क्वीन की एबिलिटी की बात करें तो एबिलिटी अभी भी बची है हमारे क्वीन के पास, एंड लगभग 1 दर्जन के आसपास हॉग राइडर्स बचे इस बेस के ऊपर। यहाँ पे आर्चर, ओके हो गया भाई, 1 दर्जन से ज्यादा हॉग राइडर्स बचे, क्योंकि हमारे पास 3 हिल स्पेल्स थे, 1 रेज स्पेल के अंदर हम लोगों ने बहुत अच्छी खासी वैल्यू निकाली, जैसे कि एक एक्सबो निकाल लिया, दोनों हीरोज को निकाल लिया, सीसी को निकाल लिया, एंड पूरा जो बेस था सर्जिकली हॉगिंग डिप्लॉय करी, लाइक एक डिफेंसिस के ऊपर 4-4, 5-5 हॉक्स, एंड जब बंच में आए तब हिल स्पेल का इस्तेमाल किया। तो ये हो चुका है हमारा 3 स्टार अटैक इस बेस के ऊपर, क्या बात है। तो ये हमारा पहला अटैक था, अभी भी उनकी साइड से अटैक्स होना बचे हैं, सो लेट्स सी वॉर का रिजल्ट होता क्या है। तो पहला अटैक तो हमारा आ चुका है यहाँ पे 3 स्टार नंबर एक के ऊपर, उनकी साइड से भी यहाँ पे 1 में 3 स्टार आ चुके हैं, हमारी साइड से भी 1 में 3 स्टार आ चुके हैं। ओके गाइस, वॉर हमारी हो चुकी है खत्म, एंड रिजल्ट है आपके सामने। हम लोग यहाँ पे जीत चुके हैं 3 स्टार से, एंड डिस्ट्रक्शन भी हमारा ज्यादा है। तो टोटल यहाँ पे हम लोगों ने 2 अटैक्स 3 स्टार किए थे। अब आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो दोनों स्ट्रेटजी कौन सी थी। पहला तो हमारा अटैक था नंबर एक पे, एंड अगर हम लोग बात करें नंबर चार पे जीतने अटैक किया था, आर्मी आप खुद देख लो कौन सी है, ये देख लो गो हॉक की आर्मी है। इसी आर्मी के साथ यहाँ पे दीप ने 3 स्टार अटैक किया, इस बेस के ऊपर भी सेम किया दीप ने, स्टार्टिंग में गोलम डाल दिया एंड पीछे से विजर्ड्स डाल दिए फनलिंग के लिए, ऊपर की साइड पे यहाँ पे एक टेस्ला था, वहाँ पे भी कुछ विजर्ड्स वगैरह डाल दिए। हालांकि यहाँ पे 2 गोलम्स एंड ज़्यादा विजर्ड्स यूज़ कर लिए थे, हम लोगों ने सिर्फ 22 हॉक्स यूज़ किए थे, इसने यहाँ पे 24 हॉक्स यूज़ किए। सीसी के अंदर इसने यहाँ पे यूज़ किया पेक्का को, जंप स्पेल का इस्तेमाल किया, हम लोगों ने यहाँ पे जंप स्पेल नहीं वॉल ब्रेकर्स यूज़ करे थे।
रेड स्पेल डाल दिया। देखो यहाँ पे इसने सीसी डाउन करी और एनिमी की क्वीन को डाउन करा है इस वाले सेक्शन से। जंप स्पेल का इस्तेमाल करके सीसी एंड एनिमी की क्वीन को डाउन किया एंड पूरा बेस हॉग राइडर्स के साथ सर्जिकली हॉगिंग के साथ पूरा बेस साफ कर दिया। लाइक सर्जिकली हॉगिंग के लिए ये बेस बेस्ट भी है क्योंकि एक डिफेंस इसके ऊपर तीन चार हॉक्स डालो, जब वो बंच में आएंगे तब हिल स्पेल डालो। यहाँ पे यही किया जीत ने, लाइक लगभग 35% के आसपास बेस इसने अपने हीरोज के साथ निकाल लिया। यहाँ पे एक जायंट बम ट्रिगर करने के लिए कुछ हॉक्स डाले थे स्टार्टिंग में, देखो एक डिफेंस इसके ऊपर तीन तीन चार चार हॉक राइडर्स डिप्लॉय कर दिए। जैसे ही वो बंच में आएंगे, बंच में आने के बाद डाल दिया वहाँ पे सिंपली हिल स्पेल। ये देख लो अभी भी तीन हॉक राइडर्स बचे हैं, एक बार 4x स्पीड में देख लेते हैं। बंच में आगे डाल दिया हिल स्पेल, तो ये हो गया गाइस यहाँ पे इजीली 3 स्टार इस बेस के ऊपर। लेजेंडरी आर्मी बहुत इजी है, कुछ ज्यादा करना नहीं है आप लोगों को, सिर्फ आप लोगों को स्टार्टिंग में आपके गोलम्स एंड हीरोज के साथ एनिमी सीसी डाउन करनी है एंड एनिमी के हीरोज को डाउन करना है। इजीली आपका बेस पूरा आपके हॉक्स निकाल सकते हैं। अभी हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग फ्रेंडली चैलेंज में एक बेस मांगेंगे एंड उस बेस के ऊपर लाइव अटैक करेंगे। ओके गाइस, तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, सेम आर्मी के साथ हम लोग एक लाइव अटैक करके देख लेते हैं फ्रेंडली चैलेंजेस में। यहाँ पे देख लो सेम आर्मी है, सीसी के अंदर हम लोगों ने वैल्करीज लिए, सिर्फ टाउन हॉल लाइन की, मैक्स वैल्करीज नहीं, राइट। एंड यहाँ पे करते हैं अभी हम लोग अटैक इस बेस के ऊपर एंड देखते हैं कैसी पावरफुल आर्मी है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे करना क्या है एक्चुअली, हम लोगों को स्टार्टिंग में हम लोगों को क्वीन को एंड किंग को डाउन करना है एंड सीसी को भी डाउन करना है, राइट। तो हम लोग अटैक किस साइड से करना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स इस साइड से करेंगे तो बेटर होगा एंड एक हॉक के साथ हम लोग सीसी को ल्यूर कर सकते हैं, तो इजीली हम लोग इस साइड से अटैक कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में एक काम करेंगे, यहाँ पे गोलू गोलू, पीछे से विजर्ड्स, यहाँ पे एक हॉक राइडर डाल देंगे, सीसी ल्यूर हो चुकी है, यहाँ पे किंग क्वीन, यहाँ पे सीसी के ट्रुप्स आएंगे हमारे, चलो भाई बहुत सही। यहाँ पे एक रेड स्पेल डाल देते हैं, यहाँ पे एक विजर्ड, एक वॉल ब्रेकर टेस्टिंग के लिए, एक और वॉल ब्रेकर, एक और यहाँ पे जंप स्पेल अपना सॉरी पॉइजन स्पेल आएगा। चलो वॉल ब्रेकर से वॉल अच्छी खासी फूट चुकी है हमारी एंड देखो क्या ही वैल्यू मिल रही है, भाई साहब देख रहे हो, वैल्यू देख रहे हो, किंग मिल गया, क्वीन मिल गई, सीसी मिल गई, इतने सारे डिफेंसेस मिल गए हम लोगों को। यहाँ पे किंग की एबिलिटी देने का काम करते हैं, यहाँ पे हॉगिंग डिप्लॉय कर देते हैं हमारी, जिससे कि किंग के ऊपर सारे के सारे बिजी हैं तो काम आसान हो जाएगा हमारे लिए। चलो यहाँ पे कुछ हॉक्स, यहाँ पे कुछ हॉक्स, ओके यहाँ पे हील स्पेल आएगी हमारी, चलो यहाँ पे एबिलिटी विजर्ड विजर्ड, यहाँ पे एक और हील स्पेल, यहाँ पे पॉइजन, दो पॉइजन लेके जाने आप लोगों को, एक पॉइजन एनिमी सीसी के लिए एंड दूसरा पॉइजन स्केलेटन्स के लिए। चलो भाई बहुत सही, यहाँ पे आएगा आखिरी हील स्पेल, ये हो गया हमारा इस बेस के ऊपर 3 स्टार। ये डाल देते आर्चर्स वगैरह ऐसे, देख रहे हो कितनी पावरफुल आर्मी है, कुछ नहीं करना आप लोग, क्या करना है, अगर सीसी ल्यूरेबल है तो सीसी ल्यूर करो एंड मारो उसको, कैसे मारना है, दो गोलम्स, पीछे से विजर्ड्स, बीच में हीरोज डालने एंड रेड स्पेल डाल के सुपर वॉल ब्रेकर, सॉरी नॉर्मल वॉल ब्रेकर डालने, टाउन हॉल लाइन पे कहां से आ गए सुपर वॉल ब्रेकर, नॉर्मल वॉल ब्रेकर डालने तो रेड स्पेल के अंदर आराम से वॉल फूट जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही किया, देखो 4 वॉल ब्रेकर्स थे, 4 या 5 थे हमारे पास एंड 2 लेयर्स फोड़ी हम लोगों ने वॉल्स की, रेड स्पेल के अंदर थे ना वॉल ब्रेकर्स इसलिए पावरफुल थे। एंड उसके बाद किंग को भी अंदर डालो, क्वीन को भी अंदर डालो, सीसी के जो वैलकरीज है उनको भी अंदर डालो एंड इजीली आपका जो बेस है वो हो जाता है 3 स्टार। एंड सर्जिकली हॉकी डिप्लॉयमेंट करो, लाइक एक डिफेंस के ऊपर 4-4, 5-5 हॉक्स डालो, जब वो बंच में आएंगे तब हिल स्पेल डाल देना, सिंपल। तो ये हो गया गाइस हमारा 3 स्टार अटैक गो हॉक के साथ टाउन हॉल लाइन के ऊपर। मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊंगा टाउन हॉल लाइन के ऊपर इतने टाइम से अटैक, मतलब इतने टाइम के बाद अटैक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन स्टिल टाउन हॉल लाइन पे कुछ आसान नहीं है, सॉरी कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, तो आप लोग कर सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे ऐसे बेसिस मिलते हैं जहाँ पे डबल जायंट बॉम्ब अगर मिल गया ना, सारे के सारे हॉक्स गायब हो जाते हैं आपके, तो यही चीज़ है टाउन हॉल लाइन पे। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है 3 स्टार, आप लोग भी ये स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हो टाउन हॉल लाइन पे। एंड वैसे भी रुको, अगर आप लोग टाउन हॉल लाइन पे हो ना तो थोड़ा रुको, 1-2 महीने टाउन हॉल लाइन पे रुको, क्योंकि टाउन हॉल लाइन के लिए भी कुछ आ रहा है, ठीक है। एंड वैसे भी सुपर सेल इंडिया को सब्सक्राइब, सॉरी क्लैश ऑफ क्लैंस इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर आई बटन पे आप लोग वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वहां पे जाके आप लोग वीडियोस देख सकते हो एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो बस फिलहाल आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब कर देना, बाजू वाला बेल आइकन दबा दो, मैं मिलता हूं आप लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।